पुरानी गाड़ियों को चुराकर उन्हें कबाड़ बनाकर बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार करते हुए यशोधरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने करीब 42 गुनाहों का पर्दाफाश कर आरोपियों से कुल 40 गाड़ियां जब्त की। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने अधिक जानकारी साझा की। संदेह के आधार पर पकड़े गए युवकों ने यशोधरा नगर पुलिस के सामने जब मुंह खोला तो एक के बाद एक 50 से ज्यादा चोरी की वारदातों के खुलासे किए। आरोपी हर दिन कम से कम 2 गाड़ियां हर हाल में चोरी करते थे, कभी कभी यह संख्या बढ़ भी जाती थी। खास बात यह है कि 24 घंटे के भीतर चोरी की गई गाड़ियों के पुर्जे भी अलग कर दिए जाते थे। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपियों ने 120 से ज्यादा वाहन चोरी किए हैं। आरोपियों के नाम बिना की मंगलवारी निवासी विनय उर्फ विक्की राज बहादुर शाहू, बारानल चौक निवासी भूषण श्यामराव बरगट और तुलसीनगर निवासी तेम कुमार उर्फ बनिया चंद्रबा शाहू है। आरोपियों की निशानदेही पर ट्रक समेत कुल 24,36,000 का माल बरामद किया गया। इसमें कई वाहन भी शामिल है। डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि विक्की मुख्य आरोपी है। उसने वाहन चोरी करने और कटवाने के लिए 500 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर 2 युवकों को नौकरी पर रखा था। इनमें विक्की के मौसेरे भाई भूषण को दोपहिया वाहन चोरी करने का काम दिया था, जबकि तीसरा आरोपी टेम कुमार को विक्की के गैराज में आकर चोरी की गाड़ियों को काटने का काम दिया था। विक्की पहले ई रिक्शा जैसी छोटी मोटी चोरियों में लिप्त रहा, फिर उसके खुरापाती दिमाग ने चोरी का ये तरीका तय किया। वह भूषण के साथ मिलकर ऐसी गाड़ियां चोरी करती थी जिनका हैंडल लॉक खुला हो। दोनों एक दूसरे को टो करते हुए दोपहिया वाहन चोरी करके फरार हो जाते थे। विक्की बहुत शातिर चोर है। उसने जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को ही इस धंधे में शामिल किया था। हर दिन 2 गाड़ियों के टारगेट के साथ भूषण शाम 5 बजे तक काम करता था। विक्की उसे 500 रुपए देकर रवाना कर देता था। इसके अगले सुबह करीब 11 से शाम 5 बजे तक गाड़ियों को काट कर अपने 500 रुपए लेकर चला जाता था। इसके बाद विक्की अपनी पिकअप वैन में सारा माल भरकर अलग अलग लोगों को बेच जाता था। लोहे वाले के पास लोहा, टायर वाले को टायर और मैकेनिक को बाकी वाहनों के बाकी पार्ट्स बेच जाता था। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में एक मोटरसाइकिल चोरी का गैंग पकड़ा गया है। इसके अंदर इनका मोडस ऐसा था कि ये मोटरसाइकिल चुराते थे और मोटरसाइकिल चुराने के लिए अलग मेंबर्स थे। वो चुरा के फिर उसको एक सेक्लूडेड प्लेस पे लेके जाते थे और बंद कमरे में उसको उसके पार्ट्स निकाल के उसको कट करके देन उसको कबाड़ी में वो लोग सेल करते थे। और जो ख़रीदने वाले हैं मेंबर्स हैं गैंग के, वो अलग है, काटने वाले अलग है और मोटरसाइकिल चुराने वाले अलग मेंबर्स हैं। टोटल कुल ऐसे 7 आरोपी इस गुने में हैं जो अभी तक हमने डिटेक्ट किए हैं। इनसे पूछताछ के दौरान ऐसा पता चला है कि इन्होंने टोटल 42 जगह पे चोरी की है और वो स्पॉट्स भी एक एक करके हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये 42 जगह में से टोटल 11 गुने जो है अभी तक हमारे सामने आए जिसके अंदर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और वो गुने रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन में। बाकी जो जगह जहाँ से चोरी हुई थी उस पर कौन सा गुना दाखिल है इसकी पूछताछ हमारे दूसरी पुलिस स्टेशन के साथ जारी है। धीरे धीरे वो सामने आएगा कि उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल था। अभी जब इनके ऊपर हमने रेड किया तो घटनास्थल से और बाकी दूसरी जगह जो भी इनके मोडस था काम करने का वहाँ अलग अलग जगह से हमको टोटल 6 मोटरसाइकिल मिली हैं और 4 मोटरसाइकिल के आधे कटे हुए पार्ट्स वगैरह मिले हैं। इसके अलावा 2 फोर व्हीलर व्हीकल मिले हैं जिसमें एक ट्रक है और एक छोटा ट्रक है जिसको यूज़ करके ये लोग इस कटी हुई मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट करते थे। पुलिस ने एक कबाड़ी को भी पकड़ा है जिसके पास विक्की लोहा बेचता था। रिश्ते में वह विक्की का जीजा है। पुलिस ने यहां से ट्रक समेत 24,36,000 का माल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।